की शक्ल है और सुबह तो कुछ 4:15 बज गए और बिल्कुल नीचे आई है। अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो दिन के कोई 3 बज रहे हैं और हम कपड़ों के अंदर घिरे हुए हैं। हमें आज कपड़ा करना है और नाया जो है सुबह उठी है और उसके बाद नाराज़ हो गई है मेरे साथ और बहुत झगड़ा कर रही है। तो आजकल ये जो है बहुत फड्डेबाजी करने लगी है, बिला वजह फड्डेबाजी करती है, क्योंकि इसको पता है इसके 3 भाई हैं, फिर जाके आदमी मना लेती है और झगड़ा करती है। तो जोहेब को ज़रा मुझे लगाना है प्रोटीन ट्रीटमेंट इसके हेयर्स के अंदर, क्योंकि विंटर में ना इसको स्कल्प के ऊपर जो है डैंड्रॉफ हो जाती है, तो उस वजह से जो है इसको मैं अभी हेयर ट्रीटमेंट लगाऊंगी। मैं खुद जो है थोड़ा सा बस आज रिलैक्स ही बैठी हूँ, क्योंकि आज किसी मासी ने नहीं और आना और सब कुछ मुझे खुद ही करना है। तो बस करते हैं शुरू, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और बैठी भी गुची के साथ, जूबी के साथ और गुची के साथ। अनाया अस्सलामुअलैकुम करो, अस्सलामुअलैकुम करो। और आज अनाया का मूड नहीं सही है, अनाया सलाम नहीं कर रही है। अनाया बेटा सलाम तो करते हैं, अस्सलामुअलैकुम बोले। क्या बस समझ आए? अच्छा अच्छा बना लो भाई, कुची का ब्लॉग बना रही है नाया। तो भाई जैन जा रहा है, जैन को कुछ सामान लेना है, बल्कि मुझे कुछ सामान चाहिए जिसमें रोटी वगैरह है। तो मौसम भी आज को इतना गर्म नहीं है, ये अभी जा रहा है और लेके आएगा। अनाया अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, बताओ। मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ अभी तक। और आज हम पुराने वाले ब्लॉग में पे गुची और दो गुची की यूट्यूब पे है। हेलो गुची, गुची की यूट्यूब पे है। हेलो 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 कर दो। अस्सलाम वालेकुम, जैन फिर से हाजिर हो गया इस ब्लॉग में। तो अभी का सीन ये है कि बस छोटी मोटी चीज़ें लानी है और कुछ लाना नहीं है इतना ना, तो बाकी तो रात में देखेंगे रात में क्या चाहिए। तो चलते हैं, फिर देख सकते हैं कि बोर्ड तो जाएंगे यहाँ पे चल रही है, कुछ यहाँ पे लगते हैं गैस की पाइपलाइंस लग रही हैं। तो शायद ऐसा ही सीन है कि यहाँ पे गैस की पाइपलाइंस लग जाए तो यहाँ पे गैस आना शुरू हो जाएगी बैरियर के अंदर। तो साथ में ही देख सकते हैं इतनी धूप भी है साथ साथ, लेकिन हवा भी अच्छी चल रही है। तो चलते हैं साथ साथ, थोड़ा मज़ा भी लेते हैं इस वेदर का। सीजन 2 को इस वक्त खाली पड़ा हुआ है पूरा, दोपहर के टाइम में ना वैसे धूप होती है ना तो ये खाली पड़ा हुआ होता है, लेकिन अभी यहाँ पे स्पार्कल्स भी चलेंगे तो यहाँ पे ना पानी भी होता है काफ़ी ना, तो साथ में ग्रास को भी पानी चलेगा और ये पौधों को भी ना। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पार्क है यहाँ पे, माशाल्लाह से आप देखें जहाँ पे हम पहले रहते थे, तो बहुत ही अच्छी जगह है ये रहने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। साथ में ना 3 बेडरूम्स है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, ये मैं रोज़ ही दिखाता हूँ। और ये 3 चीज़ें अभी मैंने दी है फिलहाल, वो भी लेने जाऊँगा रोटी लेने, दो आलू माजो और ये आपसे क्या कहते हैं सर्व लिया बस। और सामान मैंने ले लिया, अब सीधा हम जा रहे हैं लाहौली वाले के पास एज यूजुअल। तो रोटी भी ले ली, अब हम जा रहे हैं सीधा घर, फिर आपको मिलते हैं घर में। तो ये वाला जो मेरा सिंक था वॉशरूम का, ये पिछले कितने तो ये मैंने जो सीड्स लगाए थे ये देखे माशाल्लाह धनिया के सीड्स निकलाए और ये मैंने इस बड़े पॉट में लगाए हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ही लगाया, इसमें मैंने मिट्टी नहीं डाली। बेसिकली मेरा प्लान था कि इसको पेंट कर लूँगी और उसके अंदर जो है मैं एक और पॉन्ड बना लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसमें धनिया लगाया है, तो देखते हैं कितना बड़ा हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह
ये सब निकला है। और यहाँ भी ये देखिए एक छोटा सा निकला है अभी, ये देखें इसका फर्स्ट आई। इसके अंदर भी छोटे छोटे से देखें आप, ये मैंने सीड्स डाले थे तो ये निकला है धनिया के, इसके अंदर अभी सीड्स पड़े हुए हैं। ये मैंने डाले सीड्स परसों डाले, ये बेसिकली जो शिमला मिर्च होती है ना उसके सीड्स हैं। तो देखते हैं कितनी देर में ग्रो होते हैं। और कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं, मैं टेरेस साफ़ करने, साथ साथ मैंने मूंग की ड्राई दाल बनाई है। कल रात का काफ़ी खाना है जिसमें छोले भी रखे हुए हैं, और छोले के अलावा एक और भी है आई थिंक जलेबी भी रखी हुई है। एंड दाल मैंने बना ली अभी, क्योंकि अभी इतना कोई मूड नहीं खाना वाना खाने का किसी का, तो बस मैंने अपने काम निपटा लूँ। यहाँ अभी मैंने ये दो चादरें रखी हैं तय करके, बाकी बहुत सारे कपड़े हर तरफ रखे हुए हैं। सारे आयरन के कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, और मेरी आयरन का मसला ना अभी तक हल नहीं हो रहा है किसी भी तरह, क्योंकि यहाँ करीब में ना कुछ ऐसा है नहीं कि आपको कोई इलेक्ट्रिशियन मिल जाए, तो मुझे रोज़ इस्त्री जो है लेनी पड़ रही है और फिर जो है आयरन करनी पड़ रही है, क्योंकि सारी आयरन ख़राब पड़ी हैं। पालक गोश और छोले मैंने गर्म कर लिए हैं, तो मोर देन इनफ खाना है हमारे लिए, हमें ज़रूरत नहीं है मज़ीद कुछ बनाने की, तो लंच के लिए बहुत है। चने ये हैं काठिया वाले छोले, और साथ में ये अचार पालक गोश, क्योंकि पड़ा हुआ था हमारे पास काफ़ी लोग, ये भी हम खा रहे हैं साथ साथ में, इसको फिनिश कर लेंगे। और साथ में दाल भी बन रही है जो कि अभी बनी नहीं है वैसे, और खाने का भी इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे काफ़ी, बस आ जाए तो सब खाना शुरू कर देंगे। तो अभी मम्मा तो अनाया को नहला रही है, लेकिन उसमें ना अब थोड़े वेजिटेबल्स डालेंगे तो वो फिर प्रॉपर बन जाएगी। तो मैंने अभी लिया है चावल, और ऊपर देखें आप द व्यू, देखें आप कितना ज़बरदस्त है, मेरी खिड़की से नज़र आ रहा है चाँद। और अभी थोड़ी देर पहले जो है ये इतना ज़्यादा आपके जैसे रेड हो जाता है ना वैसा हुआ हुआ था, अभी भी देखें काफ़ी रेडिश है, आप देखेंगे ना इसको गौर से, तो इसका कैमरे का जूम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब मैं वो फ़ोन लूँगी जिसके अंदर मैं इसको जूम कर सकूँ ना, मुझे बड़ा शौक़ है चांद को जूम करके देखने का, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है आप। तो बहुत काम थे बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ शूट नहीं कर सकती, अब मैं आपको क्या दिखाती कि मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं क्या दिखाती हूँ कि मैं आपको वॉशरूम धो रही हूँ, सब कुछ ने देख लिया है और दिखा दिया है, अब बस वही शूट कर सकते हैं जो करना चाहिए। तो उतनी ही चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं जितनी हम जो है आपको खुश रख सकें और आपको दिखा सकें। ऑफकोर्स हर इंसान की जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें 10,000 चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी है कि उसकी लाइफ में रोज़ एक कंटेंट होता है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, लेकिन जो ब्लॉगर होता है वो सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखाता है जिससे आप लोग खुश हो और आप जो है एंटरटेन हो। आपको ये नहीं पता होता है कि पूरा दिन जो है जितना हमने आपको अच्छा अच्छा दिखाया बिहाइंड द सीन जो है हमें कितने चीज़ें फेस करनी होती हैं, तो वो एक नेचुरल रियलिटी है। अभी तक ये नहाया नहीं है सही से, वैसे नॉर्मली नहा था, लेकिन अब इसको ना मैं कल नहला दूंगा इसको शैम्पू से बोला ना मैंने, ये क्या कहते हैं खिड़की खुल दी, अभी आने की कोशिश कर रही है अंदर, इसको पता लग गया कि खिड़की खुल गई है। आ जाओ आ जाओ, इधर आओ जी, आओ जल्दी से आ जाओ, बॉल बॉल आ जाओ, गुची आ जा, मम्मा बुला रही, आ जा 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 आ जा, मम्मा बुला, ये लो आ गए, आ गया अनाया, यस ये भी क्रिकेट खेलेगा, येरी येरी बा। तो भाई यहाँ पे अनाया और गुची जो है वो दोनों खेल रहे हैं, अनाया एक मिनट वो खुद खेलेगा बॉल से, आप छोड़ो, हाँ तो कुछ दिखाओ ना, चलो चलो दिखाओ ना, क्या कर रहा है, मम्मा के पास आना,
इसको अभी मस्ती करनी है मेरे साथ, अभी मैं नहीं करी कुछ 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 तो अनाया जो है वो खेल रही है जैन के साथ क्रिकेट, और जैन को भी क्रिकेट का बहुत शौक है, अनाया को भी जो है बहुत पसंद है क्रिकेट। ये बच्चा यहाँ छुप के सोया हुआ है, अनाया ने इसको सुला दिया है, तो अभी ये ब्लॉग नहीं बना रही। पूछी आप सो रहे हैं आराम से, इसको देखो मजा आया सोने में, है एंजॉय कर रहे अनाया क्रिकेट खेल रही है। वाह चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ अनाया, ख्याल रखना। हाँ मैं देखा आपका बेबी सो रहा है, मुझे नहीं खिला रही कुछ, बस मैं चूरी चॉकलेट समझ नहीं आती फिर फिंगर में मेरे पास बनती है। अच्छा ठीक है जी, क्या कर रही हैं आप, चीज खा रही हैं? नहीं मैं ये च्युइंगम खा रही हूं, मैं गोची बैठा हुआ है मेरी गोद में। गोची आपकी गोद में बैठा हुआ है और आप चीज खा रही हैं? कौन लाया आपकी चीज? जुहेब। जुहेब जुहेब आया अभी नीचे से सामान लेकर, बल्कि कहाँ गए थे, वहाँ गए थे पैसे डी मार्ट। चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बनाया ख्याल रखना। हाँ मैं देखा आपका बेबी सो रहा है, अच्छी बेटी है, मुझे नहीं खिला रही कुछ, बस मैं चूरी चॉकलेट समझ नहीं आती फिर फिंगर में मेरे पास बनती है। अच्छा ठीक है दे, और आलू कोफ्ते और आलू, कोफ्ते और आलू का साथ आज के टाइम में नहीं मिला ना, बहुत बिजी आज का संडे। तो ये मैंने सूजी का हलवा बना दिया और रख रही हूँ फ्रिज में। सूजी का हलवा करो नहीं, ये 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 देखें हॉलोवीन का मेकअप और ये भूत। निकल गया खाना, खाना रेडी हो गया भाई, मैं लेट हो गया हूँ, सबने खाना शुरू कर दिया मुझसे पूछे बगैर। आ जाओ बहुत देर से बुला रहे हैं लोग। अनाया खाना खा रही है मेरी गुड़िया, हाँ YouTube फैमिली को तो बुला लो खाने के ऊपर। अनाया को ना मैं गर्म रोटी करके खाती हूँ, थोड़ी रोटी जला लेती हूँ, तो आज अनाया को पसंद आ गई ये गली हुई रोटी, तो कह रही है सड़ी हुई रोटी चाहिए, और जोहेब गरम करके लाया है रोटी और ये लेके खड़ा हुआ है, दे दो आप उसको। ओ बुरी बात, अच्छा छोड़ दो भाई। अच्छा जी वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग, कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड, उम्मीद है आप सब ने अपना वीकेंड बहुत अच्छे से मनाया होगा। मैंने तो खैर पूरा वीकेंड क्या फ्राइडे से जो है मैं कंटिन्यूस लगी हुई हूँ घर के अंदर ही, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में हैं और काफ़ी काम करने हैं, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। अनाया कर रही है जुहेब को तंग, इस वक्त दुनिया के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं यकीन करें, और दिल भी बहुत ख़राब होता है,
मैं तो यकीन करें इंस्टाग्राम जो है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, उसके पीछे रीज़न ही ये होता है, पता नहीं कैसे लोग ऐसी वीडियोस शेयर कर देते हैं जिसके अंदर जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उन चीज़ों को। एज अ मदर मैं तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अनाया ये बहुत गंदा गेम है, ठीक है, एंड आप मुझे आपके फ़ोन में नहीं नज़र आना चाहिए, ठीक है। और ये जुहेब का बेसिकली फ़ोन लेके आई है और समटाइम्स ये लोग फ्री फायर रात में खेलते हैं और बिल्कुल इनको सिर्फ रात में ही खेलने की परमिशन है और ये भी इनके साथ लग गई है अपना। गुड नाइट करेगा, गुड नाइट दीदी फैमिली, टेक केयर करो और किस दे दो, किस दे दो। अच्छा अन्नू आंटी को बोलो हेलो, हेलो आंटी, बोलो कैसी हैं आप, कैसे हैं आप, पप्पी दे दो इनको। भाई पप्पी भी मिल गई आपको, आप देखें आपको पप्पी भी मिल गई है नाया की। अन्नू गुड नाइट कर रही है नाया सबको और खुद कल मिलेंगे, गुड बाय बाय बाय। तो कल किसी का कमेंट आया था कि मैंने जलेबी की रेसिपी जो है वो कंप्लीट शेयर नहीं की। असल में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना बिहाइंड द कैमरा, मैं आपको क्या बताऊं कि दो दो तीन तीन चीज़ें पकाती हूँ और उस वक्त शूट करना और फिर फ़ोन मेरे कान में लगा हुआ होता है क्योंकि आजकल यहाँ हमारे पास कुछ थोड़े से मामलात भी चल रहे हैं, तो उस वजह से ये कि मैं नहीं भी जा रही हूँ तब भी मुझे जो है कनेक्टेड तो रहना पड़ रहा है और बिज़नेस की भी जो सिचुएशन है इस वक्त काफ़ी यहाँ पे एक सिचुएशन हुई भी है जिसकी वजह से काफ़ी हर बंदा मेंटली जो है काफ़ी स्ट्रेस है। लेकिन ऑफ कोर्स हम सिर्फ आपसे वही शेयर करते हैं जिससे आप खुश हो सकें और आप लोग अच्छा फील कर सकें ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स हम आपको दे सकें। लेकिन हम कोई भी अपनी ऐसी चीज़ या अपना कोई पेन आपको नहीं बताते कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। बहरहाल हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है और अल्लाह ताला सब के मामलात को सीधा करे, ये हमारी दुआ है। हर बंदा जो है ना दुनिया में वो अपनी स्ट्रगल कर रहा है और जब से पैदा हुआ है मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रगल कर रहा है ज़िंदगी के अंदर, और कुछ लोग जो है वो जल्दी हार मान जाते हैं चीज़ों से और बस फिर वो अपने आप को लूज़ कर जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो हार नहीं मानते। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, मैं ज़िंदगी में हार नहीं मानती किसी भी सिचुएशन में, हमेशा उसको फ़ेस करती हूँ और उसके एंड तक जाती हूँ, ये मेरी नेचर है। बहुत एक टफ स्ट्रगल के बाद ज़िंदगी में आप एक जगह पे पहुँचते हैं, एक रास्ते पे पहुँचते हैं और आपको पता चलता है कि ये रास्ता आगे से ब्लॉक है और आपका हौसला वहीं पस्त हो जाता है और आप बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर अपने आप को हिम्मत देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में पत्नी कितने हज़ारों रास्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं चली ज़िंदगी में और बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की और बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई और बहुत ऊंचाई पे जो पहुंचने के बाद जो है आप ये समझ लें कि दूसरों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और जिनके लिए सेक्रीफाइस किया उन्होंने भुला दिया। तो बहरहाल लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी ना हारूंगी और जब तक जान है ज़िंदगी के अंदर मैं चलती रहूँगी, नो मैटर जो है मुझे रास्ता मिले ना मिले, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको ज़िंदगी में हर चीज़ के एंड तक जाना चाहिए। अगर नाकामयाबी आपके नसीब में है तो आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन फिर इंसान को एक किक मिलती है और जब आप पे आपके पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आपको जीना होता है तो आप उठ के खड़े होते हैं और दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी में। तो फेलियर तो मेरे ख्याल में पार्ट ऑफ लाइफ है और अब मैं हंसती हूँ कि स्कूल में हमारे क्या पेपर्स होते थे, वो तो एक मजाक था सच में। हमें किसी स्कूल में मेरे ख्याल में ये नहीं बताया गया कि ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आए तो उससे कैसे निपटना है, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिकली पढ़ाया गया और उसका इम्तहान लिया गया, लेकिन ज़िंदगी के जो इम्तहान हैं वो बहुत बड़े होते हैं और अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबकी मुश्किलात को हल करे।
लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि हौसला ना हारें, और हर बंदा, हर औरत जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करती है, हर औरत जो माँ है, जो बहन है, जो बेटी है, जो बीवी है, तो रिस्पेक्ट करें, पहले तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, फिर जो है आप किसी और की रिस्पेक्ट करें, पहले अपने घरों से, अपने आसपास से ये सारी चीज़ें स्टार्ट करें, तो रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर बंदा जो भी सिचुएशन में है वो अपनी सिचुएशन खुद काट रहा है। अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।